आरसीबी का बैटिंग ऑर्डर तो बहुत अच्छा क्लिक किया कल, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल सर, फॉर्म इनका अब तक अच्छा नहीं रहा और फर्स्ट बॉल पे स्विच हिट लगा दिया। सर, ये ऑस्ट्रेलियंस वर्ल्ड कप के पास आते ही फॉर्म में कैसे आ जाते हैं? यू सी, ही इज अ इंपैक्ट प्लेयर, हमें सबको पता है, वो गेम चेंजर है मैक्सवेल, दैट्स गोज विदाउट सेइंग। अब हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, दैट्स हिज गेम, और यही क्वालिटी है आई थिंक आरसीबी की कि उसकी गेम चेंज नहीं करना चाहते। अब क्या होगा, आई हैव अ गट फीलिंग कि ये कोई एक मैच इसने अकेले ने जिता देना, नॉकआउट मैच है। डेंजरस प्लेयर, आई नो फर्स्ट बॉल स्विच हिट, बट दैट्स हिज गेम। अब ऐसा प्लेयर है कि ये आपको हाई रिस्क देगा, हाई रिस्क में आउट भी हो जाएगा पहली गेंद पे, अगर नहीं तो ये मैच भी आपको अकेले जिता देगा। तो ऐसे प्लेयर्स के साथ ये रिस्क लेना पड़ता है और आपको थोड़ा काम रहना पड़ता है विद हिम इन द ड्रेसिंग रूम। आई नो इट्स फ्रस्ट्रेटिंग, ही मस्ट बी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर हिम। आई नो ऑस्ट्रेलियंस एंड स्पेशली हिमसेल्फ इज हाउ कंपेटिटिव ही इज, हाउ यू नो हाउ मच ही वांट्स टू बी सक्सेसफुल, बट लाइक आई सेड, अब बाकी टीमों को डरना चाहिए कि तीनों को जो आए हैं इसमें प्ले में लास्ट के चार, ये डेंजरस प्लेयर है, अकेला मैच ना ले जाए एकाधा नॉकआउट। सो आई थिंक क्रिकेटर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड और क्रिकेट फैंस भी जानते हैं कि ये कितने डेंजरस है और इनका कितना बिग शो है। आपने देखा होगा इनकी इनिंग्स अफगानिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में, क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, चला जा नहीं रहा, एक उंगली से बल्ला पकड़ा हुआ है, 200 कर गया यार। सो या ये ऐसा मौका तो करेगा ही करेगा इसका, तो ये बाकी टीमों को इसके खिलाफ प्लान करना पड़ेगा। उनकी जो बैड फॉर्म थी या बैड थी, मे बी वो इस शॉट के बाद निकल गई है। मे बी वो, मुझे डर क्या है, मुझे डर है मैक्सवेल, मुझे डर है पीकिंग एट द राइट टाइम, ये मुझे डर है। मैं आपको गट फीलिंग बता रहा हूँ, मेरी गट फीलिंग ठीक होती है मोस्टली, बट आई होप आई एम रॉन्ग दिस टाइम। सर, ग्लेन मैक्सवेल का डर सिर्फ आपको नहीं, हमें भी है, इंडियन क्रिकेट फैंस को ऑलरेडी डर चालू हो गया है लास्ट मैच का फॉर्म देख के। वर्ल्ड कप पे डिस्कस करेंगे, बट बिल्कुल ये मौकों पे ऐसे प्लेयर ना बड़े मैचों का वेट करते हैं। ये बड़ा मैच था, बट अगले तीनों के तीन बड़े मैच हैं इनके, आई मीन स्पेशली जो ये अब सेकेंड नॉकआउट खेलेंगे, वो तो नॉकआउट है ना इनके लिए, हार गए तो बाहर हैं ये, तो वो गेम पे आएंगे ये, मैं पता लगेगा कि जो मेन प्लेयर हैं, जो मैच विनर्स होते हैं, वो किस तरह बड़े मैचों में आके किस तरह वो मैच अकेले ले जाते हैं। सो ये विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ जो तुहानू ए क्लिप पसंद है, उन्हें सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट।